हरियाणामध्ये तरुणीचा पाठलाग करणाऱ्या विकास बराळाला अखेर चंदीगड पोलिसांनी अटक केली आहे. विकासला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर अटक केली आहे. विकास बराळा हा हरियाणातील भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला यांचा मुलगा आहे. गेल्या आठवड्यात रात्री विकास बराला आणि त्याचा मित्र आशिष कुमार या दोघांनीही एका तरुणीचा पाठलाग केला होता. पीडित तरुणीने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी दोघांना अटकही केली, मात्र जामिनावर दोघांना सोडण्यात आलं. नंतर विकासने पीडितीचा पाठलाग केल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही पोलिसांना सापडलं होतं. हैं वो मिटा दिए गए हों, क्योंकि जिस तरह से उसको गायब किया गया है और तीन दिन तक उसको पूरा संरक्षण मिला है, तो ये एक अपने आप में. लेकिन यह है कि जो है समाज को, जनता को, सभी सामाजिक संस्थाओं को दबाव बना के रखना चाहिए. पहले तो विकास बराला जी आ ही नहीं रहे थे, अब जब मीडिया और लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर है तो उन्होंने इंटेरोगेशन ज्वाइन करी है. अब चंडीगढ़ पुलिस को चाहिए कि तुरंत विकास बराला को अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ पूरा एक्शन हो. एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए इस देश में, एक ऐसी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इस आदमी को मिलनी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर कुछ डर बैठे. सच्चाई ये है कि हमारे देश में किसी को नहीं डर लगता. वर्णिका को न्याय मिलना चाहिए. और जो वर्णिका का, ये सिर्फ लड़ाई वर्णिका की नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है, ये लड़ाई इस देश की हर लड़की की है, हर परिवार की लड़ाई है. और विकास बराला को हर हाल में बहुत ही तगड़ी सजा होनी चाहिए. इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आए हैं और आज की इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं, उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम दो चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं. एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि दो सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511.